Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाई माई नेम इज़ आरती, आई मेक व्लॉग्स, आई शेयर माई डेली लाइफ एंड आई मेक टीवी रिलेटेड वीडियोज हियर because I am also a brain and spine TB patient. I am taking treatment since 20 months and I share videos on the basis of my experience. So if you're new here, then please do hit that subscribe button and let's get started with the video. So मुझे कुछ टाइम पहले एक comment आता है एक YouTube में एक subscriber का। So I am not going to reveal the identity of that person. But उन्होंने लिखा है, मुझे तो घर में सब कहते हैं कि तेरी गलती से हुआ है टीबी, मेरे घर वालों को शर्म आती है मुझे टीबी है बोलने में। एंड हाँ, इतना काफ़ी है, लंबा मैसेज है बट दिस इज़ द पॉइंट। तो वो कहती है मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि मेरी गलती से मुझे टीबी हुआ है एंड उनको किसी दूसरे पर्सन को मुझे टीबी है ये बोलने में उनको शर्म आती है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगी। तो आपको टीबी हुआ है और ये टीबी जो है किसी को भी हो सकता है, रिच पुअर, ऐसा मिथ है कि सिर्फ जो है गरीब लोगों को टीबी होता है। जो गरीब कंट्रीज है, जो गरीब लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा टीबी होता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से टीबी होता है। बट ऐसा नहीं है, टीबी हर किसी को हो सकता है। आप अमीर हो, गरीब हो, आप फेयर हो, ब्लैक हो, आप सेक्शुअली एक्टिव हो, आप सेक्शुअली इनएक्टिव हो, क्योंकि ये भी मिथ है कि टीबी इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट इट इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो टीबी किसी को भी हो सकता है, आप अमीर हो, गरीब हो, आप फेयर हो, डार्क हो, आप सेक्सुअली एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, आप मतलब हेल्दी हो, अनहेल्दी हो। आप मैंने देखा है जो लोग रेगुलर डेली जिम जाते हैं उनको भी टीबी हुआ है, जो लोग डिफेंस फोर्स में है, क्योंकि डिफेंस में तो एवरीडे उनकी ट्रेनिंग होती है, एवरीडे प्रैक्टिस होती है, बट फिर भी उनको टीबी हुआ है। तो टीबी किसी के ऊपर आने में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये किसी को भी हो सकता है। आपको 1.5 साल के बच्चे को टीबी हो सकता है, 60 साल के बूढ़े को टीबी हो सकता है, तो सबको हो सकता है। बट यहाँ पे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मिथ फैली हुई है, तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं। इनका मैसेज पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रेंथ एक पर्सन की होती है वो होती है उसकी फैमिली। बट अगर फैमिली ही ये बोले कि तेरी गलती से तुझे टीबी हुआ है, देन उसको कैसा लगेगा। टीबी जो जिसको भी टीबी होता है उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, टाइम पे मेडिसिन तो दे दो, वो तो केयर हो गया। मेडिसिन तो बाहर से, अगर आप घर पे नर्स रखते हो तो वो भी दे सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट तो नर्स भी मेडिसिन दे सकती है। बट एक इमोशनल केयर, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान जो है दिन में 15-16 मेडिसिन ले रहा है, उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो उस टाइम एक इमोशनल सपोर्ट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो जो है दिस इज स्पेशली फॉर टीबी पेशेंट्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। एंड अगर आपके रिलेटिव्स में, अगर आपकी फैमिली में कोई टीबी पेशेंट नहीं है फिर भी यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बाहर से भी होता है। तो लोगों को ऐसे डिस्क्रिमिनेट करने से पहले, ऐसे बोलने से पहले दैट टीबी जो हुआ है तुम्हें अपनी गलती की वजह से हुआ है, लोगों को गूगल करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप ऐसा बात कर सकते हो। क्योंकि मुझे बहुत 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 बुरा लगा था जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था, और बहुत ही ज़्यादा ये जो है हो रहा है आजकल। जो है बहुत लोग एजुकेटेड है, बहुत चीज़ों की नॉलेज रखती है, बट स्टिल आप एक बार गूगल करके नहीं देख सकते कि टीबी क्या है, ये कैसे होता है। मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि ये स्मोकिंग करने की वजह से हुआ है, ड्रिंक करने की वजह से हुआ है। तो आई एम शॉक्ड कि लोगों को अभी भी ये लगता है कि स्मोकिंग करने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से, सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं लोग, कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उसकी वजह से टीबी होता है। बट दिस इज़ फॉल्स, ये उसकी वजह से नहीं होता है। टीबी कैसे होता है, टीबी कैसे फैलता है, ये सब पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। टीबी का बैक्टीरिया जब आप ब्रीथ, अगर आप कोई लंग्स टीबी का पेशेंट आपके पास में है, उसने छींकी है, उसने कफ की है, उसके मुंह से कुछ निकला है और आप ब्रीथ करते टाइम आपके अंदर वो चला जाता है, तब आपको टीबी का इन्फेक्शन होता है। जो टीबी इन्फेक्टेड एयर होता है वहाँ पर आप ब्रीथ करते हो, आपके जो आप ब्रीथ करते हो उस टाइम आपके अंदर चला जाता है बैक्टीरिया। फिर जब आपकी जो है इम्यूनिटी कम होती है उस टाइम वो बैक्टीरिया आपको अटैक करती है। सो इट इज सिंपल। ये स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, अभी मुझे मॉर्निंग में भी एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था दैट टीबी से पहले आप स्मोक करती थी क्या। सो मुझे तो लगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ बट आई सेड नो। तो ये बहुत ज़्यादा मिथ है, ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। लोग यही गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं एंड टीबी पेशेंट्स को बहुत ही वो कैसे मतलब क्या कहते हैं, माय हिंदी इज नॉट गुड, वो ऐसी नज़र से देखते हैं कि उन्होंने ना कुछ पाप कर दिया हो, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी गलती है। लेकिन जिसको टीबी होता है उसकी कोई गलती नहीं होती है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड कुछ टाइम पहले मैंने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था बिकॉज आई थॉट कि मतलब जब मुझे टीबी हुआ तो माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, किसी ने भी मतलब ऐसे कभी कुछ कहा नहीं। इट्स बिन 20 months। तो हाँ, मुझे बाहर के लोगों से मतलब कोई मतलब इंस्टाग्राम पे ही किसी ने पूछा कि आप स्मोकिंग करती थी, स्मोकिंग करने की वजह से हुआ, या फिर किसी ने पूछा था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ। बट ना तो ये स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है ना स्मोकिंग करने की वजह से हुआ है। तो मैंने सोचा कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग एजुकेटेड है, सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा। तो मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे दैट डिड यू फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट। तो इसमें 70% लोगों ने कहा था येस। तो 70% लोगों ने येस में वोट किया था एंड ओनली 30% ने नो में वोट किया था। तो वो देख के ना मुझे बहुत ही मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है ना, वैसा हुआ। तो ये वीडियो मैं बनाने का मैंने सोचा नहीं था बट 2-3 दिन पहले मुझे वो वाला कमेंट आया। देन मैंने बहुत सारे टीबी पेशेंट से बात किया है इंस्टाग्राम पे। तो 21 ईयर ओल्ड बॉय, ही इज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो उसने मुझसे बताया कि जब भी कोई उसके फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी हुई है, तुम इतना एब्सेंट क्यों हो रहे हो कॉलेज, इतना ज़्यादा तुम क्या हुआ है तुम्हें, तो ही ऑलवेज से सर उसको टाइफॉइड हुआ है। तो वो कह रहा था अब तो दोस्तों को भी लगता है कि 1-1.5 साल तक मुझे टाइफॉइड हुआ है। मतलब वो एजुकेटेड है, ही इज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको सब कुछ नॉलेज है, बट फिर भी उसको लोगों को बोलना पड़ रहा है दैट उसको टाइफॉइड हुआ है बिकॉज उसको मन में अंदर डर है कि लोगों को अगर मैं बोलूँगा कि मुझे टीबी हुआ है तो पीपल विल डिस्क्रिमिनेट, वो नहीं समझेंगे, वो मतलब दूर दूर रहने लगेंगे। एंड अनदर गर्ल जो है, एक गर्ल है, एक वुमेन है 24 ईयर ओल्ड, उनका बहुत टाइम पहले मुझे मैसेज आया था हर ब्रदर से कि उन्होंने जैसे ही बेबी को बर्थ हुआ, उनका बेबी बर्थ हुआ, तो बच्चे को जन्म देने के 1-1.5 महीने बाद उनको जो है टीबी हो गया, लंग्स टीबी, या फिर नहीं लंग्स नहीं, ब्रेन टीबी। हाँ, तो बच्चे को जन्म देने के 1 महीने बाद उनको ब्रेन टीबी हो गया। तो जब उनको ब्रेन टीबी हो गया, उनके हस्बैंड और उनके इन-लॉज ने उनको फॉरेन अपने मायके भेज दिया और मायके वालों से कहा कि आप लोग इसका ट्रीटमेंट कराओ, इलाज कराओ, जब ये ठीक हो जाएगी तब हम इसको लेने आएंगे। ओह माय गॉड, तो ऐसा हाल है। और मैंने उनसे पूछा कि आपके मतलब जो उनके हस्बैंड हैं वो क्या जॉब करते हैं, वो एजुकेटेड है नहीं है, क्योंकि अगर लोगों में एजुकेशन नहीं है तो थोड़ा सा ये होता है। लेकिन उन्होंने कहा ही इज़ एजुकेटेड, अच्छे घर से है, बट स्टिल उन्होंने अपनी जो वाइफ और को जो है मायके भेज दिया, वहाँ आप ले जाइए अपनी बेटी को, ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद में लेके आइए। तो ये हुआ थर्ड केस जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैडनिंग है। और एक गर्ल थी, उसका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। शी वाज सेइंग दैट उसको एक रूम में क्लोज कर दिया है और उसको टाइम पे खाना और टाइम पे दवाई ही देते हैं। शी कैन गो टू वॉशरूम एंड बस वो रूम पे ही रहती है, बाकी वो कहीं बाहर जाने के लिए उसको अलाउ नहीं करते एंड कोई भी उसके पास आता नहीं है बात करने के लिए। ऐसा भी मुझे किसी ने मैसेज में बताया था। सो आई फेल्ट वेरी 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 सैड फॉर देम। तो मैं ये वीडियो बना के मैं उनकी स्टोरी तो बता रही हूँ, ये सैड स्टोरीज जो है ये तो बता रही हूँ। आई एम नॉट, मैं उनका नाम जो है मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, बट मैं ये चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को यहाँ बताने का मोटिव सिर्फ ये है कि अगर आप टीबी पेशेंट की फैमिली है, अगर आप टीबी पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई भी टीबी पेशेंट है, तो टीबी पेशेंट जो है उनको केयर एंड इमोशनल सपोर्ट जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ जो पल्मोनरी टीबी होता है, जो इंसान के लंग्स में टीबी होता है, वो फैलता है। वो भी फुल टाइम नहीं फैलता है, उनकी स्टार्टिंग के 1.5 से 2 महीने ही फैलता है। जब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, जब डॉक्टर बोलते हैं कि वो कंटेजियस नहीं है, उसके बाद में जो है वो नहीं फैलता है। एंड जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, जैसे ब्रेन टीबी हो गया, स्पाइन टीबी, बोन टीबी, एब्डोमेन टीबी और ये सब लिम्फ नोड, ये सब टीबी है, वो नहीं फैलता है। वो दूसरे इंसान को आप टच करो, आप जूठा खाओ, आप साथ में सो, आप एक ही बर्तन से खाना खाओ, एक ही ग्लास से पानी पियो, वो नहीं फैलता। इट इज़ नॉट कंटेजियस। तो टीबी पेशेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी फैल ही नहीं रहा है, आपकी तरफ स्प्रेड होके नहीं आ रहा है, तो फिर आप उनके साथ जाइए, बात करिए, उनको इमोशनल सपोर्ट करिए। दूर दूर करने की क्या ज़रूरत है? और प्लीज़ डोंट से कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें टीबी हुआ है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसा मत बोलिए प्लीज़। एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट प्रॉपर नॉलेज, तो आप गूगल करिए, आप ढूंढिए, सर्च करिए, एंड आप एक बार जो है प्रॉपर नॉलेज गेन करिए। बिकॉज बहुत बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे मैसेज करता है और बोलता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। और तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, क्या टीबी फैलता है, ऐसा करके कुछ टाइटल है। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सी टीबी फैलता है, कौन सी टीबी नहीं फैलता है। तो फिर से मैं बताऊँ आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ जो लंग्स टीबी है, पल्मोनरी टीबी है, वो फैलता है इनिशियल डेज में। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो नहीं फैलता है, वो स्प्रेड नहीं होता है। अगर आपको जेनिटल टीबी है तो वो सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पर स्प्रेड होता है। तो आप लोगों को जो है टीबी पेशेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करने की, उनको दूर दूर करने की, या फिर उनसे ये कहने की कि टीबी तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें स्मोकिंग करने की वजह से हुआ है, ड्रिंक करने की वजह से हुआ है, तुम्हारे बैड कैरेक्टर की वजह से हुआ है, ये सब गलत है, ये सब प्लीज़ मत करिए। तो यही था आज का वीडियो। आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ डोंट डिस्क्रिमिनेट टुवर्ड्स टीबी पेशेंट। जैसे कैंसर एक बीमारी है, जैसे कोई भी और बीमारी ले लीजिए, टाइफॉइड, डेंगू फीवर, कुछ भी, तो टीबी भी एक बीमारी ही है। इट इज़ नॉट अ टैबू। ये कुछ ऐसे छुपाने की बात या फिर शर्म करने की बात नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आई होप यू गाइज लाइक दिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय जर्नी ऑफ फाइटिंग ब्रेन एंड स्पाइन टीबी, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर द न्यू टीबी पेशेंट्स। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस, देन मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस, आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। And yeah, thank you so much for watching. Bye bye.